नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मेरे चैनल पर आपको हारमोनियम से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। यह जानकारी आप सभी के उपयोग में रहेगी। ऐसी जानकारियां मैं देता हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट पे कहा था कि आप प्लीज़ हारमोनियम के ट्यूटोरियल लेसन बनाएं, इसीलिए मैं हारमोनियम के लेसन आप सभी के लिए लेके आता हूँ। ये मेरा पहला लेसन है। इससे पहले मैंने एक लेसन और बनाया है जो छोटा सा है, लेकिन जानकारी उसमें काफ़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे हारमोनियम में 7 स्वर होते हैं, जो कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 7 स्वर होते हैं जो कि मैं हारमोनियम पे आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से। जो भी गाने होते हैं एक्स्ट्रा या जो भी आप स्वर ले सकते हैं, कोई भी गाना ले लो, इन्हीं 7 स्वरों से मिलकर बनते हैं, जो कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं। और हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, ठीक है। ये है हमारा इतना, ये 7 से लेके यहाँ तक, ये मंद सप्तक हो गया, ये मध्य सप्तक, ये तार सप्तक। इन्हीं 12 स्वर को लेके सारे जितने भी गाने एक्स्ट्रा जेट बॉलीवुड में हमारे हारमोनियम से हुए हैं प्ले, साउथ इंडस्ट्री में भी हारमोनियम का काफ़ी योगदान है, उसमें भी हारमोनियम से कुछ काफ़ी सॉन्ग बनाए जाते हैं। जो भी हैं हारमोनियम से इतने ही स्वर में निकलते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं। हर सप्तक में एक सा होता है, जिस तरीके से मंद सप्तक में ये सा है, ये मध्य सप्तक का, ये तार सप्तक का सा, ठीक है। और हर सप्तक में सा और पा जो है एक ही स्वर होते हैं, जिन्हें हम अचल स्वर भी कह सकते हैं। सा और पा ये कभी अपनी जगह से कभी नहीं हिलते, बाकी सब स्वर, कुछ स्वर कोमल स्वर भी होते हैं, कुछ तीव्र स्वर भी होते हैं। सा और पा ऐसे स्वर हैं जो अचल हैं, जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलते। किसी भी कैटेगरी में आप ले सकते हो, यहाँ से लेंगे तब भी, यहाँ से लेंगे तब भी, यहाँ से लोगे तब भी, यहाँ से लोगे तब भी, ये अचल स्वर हैं, ये कभी अपनी जगह से कभी नहीं हिलते। और हर सप्तक में सा और पा होते हैं, और ये जो अचल स्वर हैं ये कभी अपनी जगह से कभी नहीं हिलते, ठीक है। आप देख सकते हैं मंद सप्तक में कुछ लोग यहाँ से भी पहले काले से शुरू करते हैं, सरगम सारे गा, और जो गांव के लोग हैं भजन कीर्तन करते हैं, अधिकतर लोग यहाँ से भी शुरू करते हैं, यहाँ से सा लेते हैं, सारे गा पा धा नी सा, सा नी धा पा धा नी सा। ये जो सा और पा मैंने लगा रखा है, अधिकतर लोग हारमोनियम पे भजन कीर्तन करते हैं वो यहीं से ही लेते हैं, लेकिन जो हमारे किताबों में हमें जो पढ़ाया जाता है हारमोनियम के बारे में, लेसन के बारे में, वो पहले काले से शुरुआत है, ठीक है। और जो हमारे गांव
में कीर्तन होते हैं वहां पे इस शाखा में धातु देते हैं, यहां से यहां तक। ये मंद सप्तक का सा, ये मध्य सप्तक का सा, ये तार सप्तक का सा, ठीक है। आप यहां से भी ले सकते हैं सा को, ठीक है। सा यहां से आप लेते हो तो यहां तक आपको शुद्ध स्वर मिले, ठीक है। यहां से भी ले सकते हैं आप सागा स्वर, यहां से भी ले सकते हैं सारे गा, आप यहां से भी ले सकते हैं सा। से भी ले सकते हैं सारे सारे गा पा नी सा नी पा रे सा। इस तरीके से आप कहीं किसी स्वर को भी किसी भी स्वर से आप ले सकते हैं, वो सा बन जाएगा। यहाँ से मैंने यहाँ से बताया, ये भी सा बना, ये भी सा बन गया, ये भी सा बन गया, ये भी सा बन गया, हर स्वर सा बन सकते हैं। मेरा पहला लेसन हारमोनियम का है, ये इसमें ये रहेगा कि आप स्वर सा यहाँ से माने या यहाँ से माने, ठीक है। या आप यहाँ से लोगे भजन कीर्तन में, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सा है और ये सा है, इसमें आप किताबों से YouTube से अधिकतर लोग यहीं से ही बताएंगे आपको, ठीक है। मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। आशा करता हूँ मेरी वीडियो ये आपको पसंद आएगी और मैं इसी तरीके की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा हारमोनियम से रिलेटेड। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको मेरी वीडियो से मिलती है, आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ये वीडियो जो भी संगीत प्रेमी हैं उन लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंचे और